हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आरके वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में केनाइन पार्वोवायरस के पार्ट टू के बारे में बताने वाला हूं। इसमें हम लोग जानेंगे कि डॉग में अपने पशु चिकित्सक की सहायता से कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन लगवा सकते हैं जिससे कि हमारा डॉग अच्छे से पूरी तरह से केनाइन पार्वोवायरस से कम्प्लीट ठीक हो जाए। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन की बात करते हैं तो आपने जो पेट्स है उसको एंटीबायोटिक लगवानी है। जो मतलब एंटीबायोटिक जैसे कि अमीकासिन की एंटीबायोटिक आती है वो आप लगवा सकते हैं। 50 mg की आती है, 100 mg की आती है, 250 mg की एंटीबायोटिक आती है, ये आप लगवा सकते हैं अमीकासिन की। दूसरी यदि ये नहीं है तो आप इंटासेप की लगवा सकते हैं या टेजोवेक्टम की एंटीबायोटिक आती है। 562 mg की एंटीबायोटिक आती है, वो आप अपने पेट्स को लगवा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका डोज और रूट कितना होता है, मतलब कितना अपने पेट्स को लगवाना है। तो जो छोटा पेट्स होता है तो उसको हम लोग 1 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्राविनस दोनों तरीके से लगाते हैं। जैसे आपका पेट्स बड़ा है यानी कि 1-2 साल के ऊपर का है तो उसको हम लोग 3 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्राविनस दोनों तरीके से दे सकते हैं। ये पहला इंजेक्शन आपको लगवाना है। फिर दूसरा इंजेक्शन, जैसे कि आपको पेट्स को बुखार है तो बुखार के साथ साथ उसके पेट में दर्द भी हो रहा है तो आप एंटीपायरेटिक जैसे मेलोनिक्स का इंजेक्शन आता है वो अपने पेट्स को लगवा सकते हैं। मेलोनिक्स की जो डोज होती है 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से लगाया जाता है। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन आप अपने पेट्स को एंटासिड का लगवाना। एंटासिड में जैसे कि आप एसी लॉक का इंजेक्शन आता है 1 ml का, वो आप अपने पेट्स को लगवा सकते हैं। या पेंटाप का इंजेक्शन आता है 40 mg का, वो अपने पेट्स को लगवा सकते हैं। जो छोटे पेट्स होते हैं जो पपी होता है उसको हम लोग 0.5 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं या इंट्रावीनस दोनों तरीके से दे सकते हैं। जो मतलब बड़े पेट्स होते हैं, बड़े डॉग हो गए, तो उसको हम लोग 1 ml या 2 ml भी इंट्रामेस्कुलर इंट्रावीनस दे सकते हैं। ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कम से कम आपको 7 दिन लगातार करना है ये काम। ये तीसरा इंजेक्शन हो गया। चौथा इंजेक्शन, जैसे कि आपका पेट्स कुछ खा पी नहीं रहा है, बहुत मतलब भूखा है, कमजोर हो गया है, तो उसको भूख बढ़ाने के लिए हम लोग मल्टीविटामिन का इंजेक्शन देते हैं। पॉलीबियन का इंजेक्शन आता है, उसको हम लोग मतलब 0.5 ml इंट्रामेस्कुलर इंट्रावीनस दे सकते हैं। इंट्रावीनस जब आप इस इंजेक्शन को देते हैं तो आपको बहुत स्लो आईवी देना है। ये इंजेक्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्लूड थेरेपी की, तो इसमें आपको क्या करना है। जैसे सबसे पहले तो आपको एग्जामिन करना है कि आपका जैसे पेट्स बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड कंडीशन में चला गया है, कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब ब्लड लॉस हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हीमोकोगुलेज एंजाइम के रोकने के लिए एक इंजेक्शन आता है क्रोमोस्टेट के नाम से, उसको आपको अपने पेट्स को लगवाना है। या तो ये इथमसाइलेट का इंजेक्शन आता है, वो भी आप अपने पेट्स को, जो छोटा पेट्स है उसको 0.5 इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। जो बड़ा मतलब पेट्स होता है या बड़ा डॉग है तो उसको हम लोग 1 ml इंट्रामेस्कुलर देते हैं। ये ब्लीडिंग से रोकने के लिए हो गया। अब हम लोग फ्लूड थेरेपी की बात करते हैं, तो फ्लूड थेरेपी में आप अपने पेट्स को यदि टेम्परेचर नहीं है तो DNS दे सकते हैं। DNS मतलब 10 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यदि अपने पेट्स को आप 250 ml DNS दे रहे हैं तो आपको मतलब 100 ml RL देना है, और जो मेट्रोजेल आता है, मेट्रोइंडाजोल का इंजेक्शन आता है, आप उसको 10-15 ml इंट्रावीनस देना। ये तीनों जो फ्लूड थेरेपी दी जाती है हमेशा आईवी दी जाती है। मतलब जो DNS का इंजेक्शन होता है, DNS में आप मल्टीविटामिन का इंजेक्शन भी मिला सकते हैं। जैसे पॉलीबियन का इंजेक्शन आप इंट्रामेस्कुलर नहीं लगा सकते तो आप इसको इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। और जब भी आप पॉलीबियन का इंजेक्शन देंगे या कोई भी सभी इंजेक्शन आप देते हैं पेट्स को, तो बहुत स्लो देना है ताकि उससे मतलब रिएक्शन ना हो या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इस इंजेक्शन को बहुत धीरे धीरे दिया जाता है। ये पार्ट से मतलब सेकेंड था। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।